नमस्कार, मैं सचिन मंगरिया। और मैं अमित बोस। विस्तार संस्था ये दूसरी बार गरबा करा रही है, जो टोटल एनजीओ के माध्यम से है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम एनजीओ के माध्यम से उन सभी को गरबा कराएं जो गरबा करना चाहते हैं। हमारा शुल्क सिर्फ 100 रुपये है, बाकी आपकी इच्छा है कि जो आप एनजीओ को देना चाहते हैं। और इस मौके में जब माता रानी हम सब पे कृपा बरसाती है, तो हम भी चाहते हैं कि विस्तार परिवार के साथ आप जुड़े और गरबा में शामिल होकर माता रानी की स्तुति करें, और साथ ही साथ इस नौ दुर्गा के इस पावन पर्व को हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें। तो पता क्या है सर? ट्रिपल स्मार्ट हॉल सिविक सेंटर, राज एक्सप्रेस के सामने ये हमारा पता है, जहाँ पे हम लोग गरबा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और शुल्क मात्र 100 रुपये रखा है, जो कि बहुत नॉमिनल सा शुल्क रखा गया है। तो आप इस प्रोग्राम में आए और ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। सभी प्रतिभागियों को एक सर्टिफिकेट भी विस्तार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा, और साथ साथ में फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड और थर्ड रैंक के जो हमारे प्रतिभागी रहेंगे उनको भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो संस्था के जो छात्र हैं वो इस चीज से ना चुके, वो तो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सिर्फ 100 रुपये है, बाकी आप संस्था एनजीओ संस्था को जो दान देना चाहते हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और अंतिम एक मैसेज है कि वर्कशॉप तो हो ही चुकी है, पाइथन के एडमिशन भी ओपन है। तो 14 तारीख से एक नया बैच है जिसमें अभी 10 सीटें हैं। अगर आपको पाइथन के का बैच में भी एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, जिसकी डेमो क्लास 13 तारीख को है। और एक वर्ल्ड की बहुत फेमस लैंग्वेज है पाइथन, और अगर आप में से कोई जल्दी कैरियर बनाना चाहता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको थोड़ी सी कठिनाई है और आप चाहते हैं कि आसान कोडिंग के द्वारा एक शानदार कैरियर निकालना चाहते हैं, तो पाइथन से बेहतर इस समय कुछ भी नहीं है। तो आप हमारी संस्था में इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गरबा की रजिस्ट्रेशन ओपन है, गरबा की रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक है, उसके बाद 19 को प्रैक्टिस होगी और 20 को पूरा गरबा महोत्सव, विस्तार गरबा महोत्सव कराया जाएगा। तो आइए और सेलिब्रेट करें मिलकर इस गरबा महोत्सव को, और साथ ही साथ कैडेट के लिए पाइथन क्लासेस भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आप देखने भी आ सकते हैं, कहना भूल गया था, जो देखने भी आ सकते हैं उनके लिए निःशुल्क है। तो हमारे छात्र और जो हमें इतने दिनों से देख रहे हैं, वो अगर गरबा का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो वो देखने भी उस स्थान पर उपलब्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।